हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पास्ता। रोटी वगैरह भी बनाऊँगी, लेकिन ये नाश्ता बेटे का डिमांड है कि मुझे पास्ता खाना है, और वो भी मैगी मसाला वाला पास्ता। क्योंकि पास्ता मसाला नहीं है तो बोला कि नहीं, मैगी मसाला ही डालकर बनाओ, लेकिन मैं खाऊँगा पास्ता ही। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ पास्ता के लिए। और यहाँ पे मैं साथ के साथ बड़ी की सब्जी बना रही हूँ, जो कि ये मार्केट वाला है, घर घर का नहीं। ये उड़द दाल की बड़ी है, तो ये मार्केट का है। घर वाला इससे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये पता नहीं क्यों जल्दी से ये गलता ही नहीं, पकता ही नहीं है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। और मैं इसके साथ आलू नहीं बनाऊँगी, मैं इसके साथ तुरई डालकर बनाऊँगी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे मैं पहले भून कर निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, सुबह का टाइम होता है तो बहुत सारा काम होता है, क्लीनिंग का भी काम होता है, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। और इसको बनाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज भी करूँगी, 10-15 मिनट, जो ही मुझे टाइम मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसा समय रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि छोड़ू नहीं, लेकिन बीच में छूट भी जाता है। वैसे कोई इसका मेरा रूटीन भी नहीं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो मैं काम को देखते हुए करती हूँ, समय मिल जाता है। कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट के लिए भी करूँ, लेकिन करूँ। तो देखिए, इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल दिया पास्ता में, क्योंकि मैं मैगी मसाला डाल के बना रही हूँ। और इसमें कोई सॉस वगैरह नहीं डालूँगी, उसको सॉस नहीं चाहिए, तो मैं ये बिना सॉस वाली सॉस का बना रही हूँ। और पास्ता को मैंने बॉयल करके पहले से रख लिया था। और इधर सब्जी का मसाला भी मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये भुन चुका है बड़ी, अब इसको हम निकाल लेंगे। मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था पहले इसको भूनने के लिए, और अब इसमें थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसमें प्याज और तेज़पत्ता मैं डाल दूँगी, और इसे अच्छे से भून लेना है। जब भून जाएगा तब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। मैं इसमें टमाटर नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर हर सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी, ना मैं इसमें डालती हूँ और ना ही कटहल की सब्ज़ी में डालती हूँ। और देखिए, पास्ता हमने बॉईल करके पहले ही रख लिया था, तो अब मैंने पास्ता डाल दिया, और इसमें मैं मैगी मसाला डाल दूँगी। तो पास्ता भी बन के रेडी हो गया, और बेटे का भी नाश्ता हो जाएगा, ज़्यादा बना है तो इसमें सभी लोग का हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मैं सॉस वगैरह नहीं डालती हूँ, तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा पास्ता। अब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 मिनट के लिए और भून लेंगे ढककर। तो देखिए, इधर हमारा प्याज भी भुन गया। और मैं उसके बाद एक्सरसाइज करने चली गई थी, सब्जी में मसाला वगैरह डाल दिया था, और उसमें उसको पकने में टाइम लगता है, तो फ्लेम को मीडियम करके मैं उसी टाइम एक्सरसाइज भी कर ली 15-20 मिनट के लिए, अपना मैं समय दे पाई हूँ। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपना लौकी का जूस लेकर। रेगुलर नहीं पीती हूँ, बीच बीच में स्किप भी कर देती हूँ, कभी चिया सीड लेती हूँ, कभी जीरा का पानी, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना करने के बाद भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वेट लॉस करना ज़रूरी है। और मैं तो किसी दिन रात का खाना भी स्किप कर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, और खाने पीने का डाइट का भी ध्यान नहीं रख पाती। लेकिन कोशिश कर रही हूँ अब कि मैं अपना एक डाइट प्लान बनाऊँ और उसी को फॉलो करूँ। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा हम अपने लिए आलस कर लेते हैं और इसी से हमारा शरीर ख़राब हो जाता है। ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, अब मैं फिर किचन में चलती हूँ, और यहाँ पे मैं 2-4 रोटियाँ भी मैं बना लूँगी। और देखिए, सब्जी भी हमारा हो गया, अब किचन को क्लीन करूँगी, और क्लीन करके मैं नहाने चली जाऊँगी। तो रोटी भी बन गया, ज़्यादा रोटी नहीं बनाना था, फिर मैं दोपहर में खाने के टाइम में बनाऊँगी। तो अभी 2-4 रोटी ही मुझे बनानी थी, तो मैं बना ली। और देखिए, सारा किचन वगैरह साफ़ करूँगी और फिर नहाने जाऊँगी। तो सुबह का टाइम तो थोड़ा सा भाग दौड़ का होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है। उधर शिरू को मैं नाश्ता देकर आई हूँ अभी, वो भी अपना खा रहा है, देखना पड़ता है। तो ये है शाम का टाइम, और मैं खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी, पता नहीं क्यों आज मुझे नींद आ गई थी, तो आज मैं सो गई थी, तो किचन इसी तरह से मैंने छोड़ दिया था। तो सारे बर्तनों को मैं बाहर रखूँगी, और पहले किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद हमने क्लीन नहीं किया था। तो थोड़ा मैं पोछ लूँगी, और एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि कल है संडे, तो अब संडे को धुलेगा। मैं रात में बर्तन आज नहीं धोऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी आज, तो सुबह में धुलेगा। और किचन को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय,
क्योंकि अभी तक हमने चाय नहीं पिया है। आज मैं सो गई थी तो लेट हो गया है, तो मैं आ गई हूँ चाय ही बनाने आई हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। तो देखिए हमने पोछ लिया, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और हमने वेजिटेबल्स वगैरह भी देखिए आया था तो नीचे में मैंने धोकर रख दिया है बर्तन वाला टोकरी में, एक कॉटन सा तौलिया डालकर उसमें पानी सूखने के लिए रख दिया है। अब इसे भी मुझे रखना है अभी फ्रिज में, तो यहाँ पहले मैं चाय बनाकर पी लूँगी और मैं पानी भी पीऊँगी, क्योंकि सोकर मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि बहुत लेट हो गया है, तो मैं सोचा कि पहले चाय ही बना लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ रात में खाने में क्या बनाती हूँ, कुछ सिंपल सा ही बनाऊँगी। चाय पियेंगे तब तक बेटे के लिए मैं सोच रही थी कि शाम का टाइम है तो कुछ उसको चाहिए खाने को, तो मैं एप्पल ही काट कर दे रही हूँ, वो खा लेगा और फिर हम लोग चाय ले लेंगे। और चाय लेने के बाद जो सब्ज़ी वगैरह रखना वो मैं रखूँगी। तो ये आज का वीडियो बहुत ही छोटा ये जाएगा, ब्लॉग बहुत छोटा है, तो फ्रेंड्स को प्लीज़ प्यार दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए हम चाय पीते हैं। पर हम जा रहे हैं चाय पीने, आप भी इंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।